Alright guys, let's talk about Indian cinema. You all know how 2022 went for Hindi cinema. मोदी जी से अच्छा कोई नहीं समझा सकता. लवड़े ने भोजन. But did you notice that guys, our stars are getting so much love outside India? No seriously, बच्चन साहब की मीटिंग लो with Messi and he was like, कैसा है मेसी? हाय मजा आ गया. And Mr. Raja Mauli is meeting James Cameron. जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है. हाँ मेरी जान. So many big events are happening. And shot. And yeah, Mr. Raja Mauli is meeting Mr. James Cameron and he was talking about RRR. That was great. It brings the feeling. If you're using the music very differently, it opens his eyes. मतलब अवतार 2 ने इंडिया में इतने करोड़ कमा लिए हैं, कुछ 400 करोड़ क्रॉस भी कर सकते हैं ये लोग, पर उनका इंटरेस्ट आर 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 में है. वाह, व्हाट अ लेजेंडरी मीटिंग दैट वाज. And you go in it, it's like you feel like standing up. There are moments in that film where I just had to get up. आज के दौर में कोई भी बिना मतलब के बात नहीं करता. But if Mr. James Cameron will watch this, इसको देख के James Cameron का भी मूड खराब हो जाएगा. No words bro, explain चलो सिनेमा मात्र experience है यार. James Cameron सोचेगा मैं क्या करूँ, job छोड़ दूँ? तो बड़ा वाटा लोगों ना इंतजाम graphics तो बेचे ना. इल्ला विषम मंगल किड़ी यिलम. These two legends are meeting, but one legend is silently watching everyone. And who is that legend? Mr. Govinda. तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, मैं कहा मुझसे नहीं होगा सॉरी. क्योंकि उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, नहीं तो आज इन दोनों को वो समझा रहे होते. एंड बच्चन साहब इज मीटिंग विद रोनाल्डो वाज द हेडलाइन. हे कैसा है रोनाल्डो? हाय हाय हंचो. As I told you in the beginning, the last year was really bad for Hindi cinema. Movie release ho rahi hai and Dubai mein it was so fantastic. People were sharing videos on the social media. पर हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, जिसको देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो. बट बिफोर आई गो, व्हाट मिथुन दादा इज डूइंग हियर? सर चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने बिना छुए पप्पी ले ली तो तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए देना, और अगर मैंने छू लिया तो मैं तुम्हें 100 रुपया जुर्माना दूंगा. इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो करना.